हेलो रैंकर्स, स्टार्ट करें भाई। डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट, हमने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले पिछले पार्ट में क्या किए थे, पढ़ लिए थे, है ना। तो जिसने अभी तक नहीं पढ़े हैं वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखो, फिर सेकंड पार्ट देखो, एंड देन थर्ड पार्ट देखना, वरना कुछ समझ आएगा नहीं, ठीक है। और तुम लोग कहोगे कि यार डिफरेंशिएशन तो मुश्किल है, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इस वाले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे साथ में, क्या करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल्स के अंदर हम भाई पांच रूल पढ़ेंगे, ठीक है। कितने पढ़ेंगे, पांच रूल पढ़ेंगे। तो पहला रूल हम पढ़ते हैं भाई एडिशन रूल। फर्स्ट रूल हमारा एडिशन रूल। तो हमारा एडिशन रूल क्या बोलता है कि कोई फंक्शन है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स कैसे टर्म में है, यू एक्स प्लस वी एक्स की टर्म में। मतलब फंक्शन ऑफ कोई यू है वो भी एक्स की टर्म्स में, कोई फंक्शन ऑफ वी है वो भी क्या है, एक्स की टर्म्स में है, ठीक है। तो इस टाइप से जब हमें वाई का डिफरेंशिएशन करना होगा तो कैसे करेंगे, हमें देखना है ऐसे। तो पहले हम एक एग्जांपल देख लेते, उससे सब क्लियर हो जाएगा, वरना तो समझ ही नहीं क्या यू है क्या वी है ना। तो हमें कोई दे दे भाई कि ऐसे कि वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 4, 5 इक्वेशन है, इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो हमारे पास कितने, अब की बात, 1, 2, 3 वैल्यू है, ठीक है। हमें क्या करना है, डिवाइड बाय डी है। तो इसका करने के लिए हम क्या करते हैं, सबको अलग 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 सोल्व करते हैं। कैसे, पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस अलग अलग, ठीक, टू तो बाहर आ जाएगा तो डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस 5 बाहर आ जाएगा, या फिर डी कॉन्स्टेंट हो गया ना अपॉन डी एक्स, या फिर, ठीक है। देखो एक बार मैं बताता हूं तुम लोगों को, ये इसका अप्रोच होता है, लिखने का तरीका होता है। उसके बाद हमने किया था कि किसी की भी पावर एन हो तो क्या करते, पावर आगे एंड पावर में से 1 माइनस, सिंपल, ठीक। यहां पे क्या है, एक्स है सिंपल, तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, पावर आगे 1 आगे इंटू 1 आगे एंड एक्स की पावर 1 माइनस 1, ठीक। प्लस कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0, ठीक। तो यहाँ पे देखो अब क्या आ गया, ये 2x प्लस एक्स की पावर 1 माइनस 1, 0, एक्स की पावर 0 यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 0, ये तो हट जाएगा। फिर कितना आ गया, 2x प्लस एक्स की पावर 0 कितना, 1, 2। तो ये आ गया हमारा क्या, डिफरेंशिएशन आ गया भाई। मतलब एडिशन रूल में करना क्या होता है कि सबका अलग अलग कर दो, सबका अलग अलग कर दो। क्या था ये, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूले हमें सारे याद ही है, ठीक है। अभी मैं लिखने का तरीका ऐसे है, अभी मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। डायरेक्ट देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक। हमें पता है भाई एक्स स्क्वायर 2 आगे, एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 आगे आएगा, ठीक, इंटू 1 लगा दिया प्लस 0, ये कितना आ गया, 2x प्लस 2 आगे आंसर। सिर्फ 3 लाइन के अंदर आंसर आएगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस, फॉर्मूले याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर ऐसे कोई टर्म्स आती है तो सबका अलग अलग करना है। ये एक्स की पावर एन जैसा है, ये के एक्स की पावर एन जैसा है, ठीक। और एग्जांपल लो, और लेते हैं, चलो लोग का भी साथ में लेते हैं, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल में तीनों ले लेता हूं मैं, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 10, कॉन्स्टेंट भी डाल दिया भाई ये, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, सिंपल, सबका अलग अलग, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स एंड प्लस 10। बोलो आया समझ, आ गया आंसर है, ये हमारा आंसर है। बोलो क्या था, एडिशन रूल, कुछ नहीं था, ठीक। वैसे ही सब्सट्रैक्शन रूल लगा लो भाई, अभी हम क्या करें, सब्सट्रैक्शन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, ठीक। सब्सट्रैक्शन रूल में हमें क्या करना है, कोई हमें दिया होगा जिसके बीच में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन का साथ, एक्स की पावर 10 माइनस एक्स की पावर। बोलो इसका कैसे, सेम जैसे एडिशन में किया वैसे सेम करना है, अलग अलग कर देंगे। इसका करेंगे क्या आएगा, 10 आगे एक्स की पावर 10 माइनस 1। इसका क्या करेंगे, माइनस एज इट इज 9 आगे एक्स की पावर 9 माइनस 1, ये कितना आ गया, 10 एक्स की पावर 9 माइनस 9 एक्स की पावर 8। बोलो
हो गया कुछ नहीं करना, जैसे एडिशन में क्या वैसे ही किस में करना, सब्ट्रैक्शन में करते हैं, हमारा सब्ट्रैक्शन रूल है, कोई रॉकेट साइंस है क्या? है ही नहीं, सबका अलग अलग करो, प्रैक्टिस करो। अभी मैंने तो करवा दिया, तुम लोग बोलोगे यार समझ तो आ रहा है, समझ नहीं भी आ रहा है। जिनको समझ आ रहा है, जिनको नहीं भी आ रहा समझ, उनका इक्वली फंडा है। जब तक तुम लोग अपने हाथ के नीचे से ऐसे 50-60 क्वेश्चन नहीं निकाल दोगे, जब तक मतलब बेसिक मैथ्स की अलग अलग बुक लगाओ जिसके अंदर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस दिए हो, ठीक है 50-60 अगर तुम लोगों को ज्यादा लगते, कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो करो डिफरेंशिएशन के, जिसके अंदर तुम्हारा जब हाथ बैठेगा ना, देखते जब अप्रोच लगनी स्टार्ट होगी, फॉर्मूले लिखो बार बार में, हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद में क्या, मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन क्या दिया होगा, वाई इन द टर्म्स ऑफ यू बाई वी, एंड दोनों के दोनों सेम वैसे ही किसके फंक्शन होंगे, एक्स के फंक्शन होंगे, है ना। अब जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा उसको तो पता होगा कि एक्स का फंक्शन मैं बोल रहा हूं तो मतलब क्या है इसका, वो जिसने नहीं देखा वो उसके तो ऊपर से जा रहा, उसको तो प्योर मैथ लग रहा होगा, तो उसका क्या कर सकते हैं ना। तो इसका करने का तरीका होता है कि पहले वाले को ऐसा कैसा लिख दो और तो दूसरे वाले का कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक, प्लस दूसरे वाले को एजिटेज लिख दो और पहले वाले का कर दो डिफरेंशिएशन। ये तो होता है भाई फॉर्मूला, ये तो होता है क्या फॉर्मूला, ठीक। अब इसको करना कैसे, एक एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे, चलो भाई करके देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमें दे दे एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स, ठीक है, यू इंटू वी जैसा है, क्या करेंगे पहले वाले को ऐसा कैसा लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज लिखेंगे लॉग एक्स इंटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना 2x, एक्स ने एक्स को मारा ये कितना गया एक्स प्लस में 2x लॉग एक्स, ठीक। यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 + 2 log x। बोलो आया समझ, आया समझ, क्या था, कुछ भी तो नहीं। ये है हमारा डिफरेंशिएशन, ये है हमारा डिफरेंश, ये है मल्टीप्लीकेशन रूल जिसमें तुम डर जाते हो। और देखो साइन एक्स, चलो और छोड़ो 10x ले लो, कुछ भी ले लो भाई अपनी मर्जी से कुछ भी, √e^x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे, सेम पहला एज इट इज 10x एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e^x, प्लस दूसरा एच इट इज इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अब ये सीकेंट स्क्वेयर एक्स मैंने कैसे लिखा, इसके लिए तो तुम लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब यहाँ से e^x चाहिए कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक, जनरली ऐसे मिल जाएगा, ज्यादा दिया सीकेंट को भी 1/cos^2x लिख लो, इसको भी sin x / cos x लिख लो, वो अलग बात है यार, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को इतना तो आना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला। ये था भाई हमारा क्या, मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक। नेक्स्ट करते हैं क्या, डिवीजन रूल, क्या ये ज्यादा स्पीड से जा रहा हूं क्या, स्पीड नहीं है ये, एक वीडियो का 10 बार देखो जिसको समझ नहीं आ रहा। रियल स्पीड डिफरेंशिएशन की यही होती है, हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहे, मैथमेटिक्स में हम नहीं जा रहे, हम फिजिक्स के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो तो डिवीजन की देख लेना, गलती लग रही है मेरे को तो, जो भी यार, इसको क्वोशेंट रूल भी बोलते हैं शायद, क्वोशेंट ऐसे कुछ होता है, ठीक, जो भी है देख लेना, क्वोशेंट रूल डिवीजन रूल। इसमें क्या होता है कि जो दिया होगा हमें वी बाई यू के टर्म्स में दिया होगा, मैंने पीछे वी बाई यू लिखा था क्या, यू अपॉन वी लिखा था ना, वो तुम लोग सही कर लेना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, यू इंटू वी आएगा वो जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, जैसा यू बाई वी लिखा गया उसको सही देख लेना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन रूल पढ़ रहे थे ना, लो फ्लो में कुछ भी जाता रहता है, ठीक है। तो यू अपॉन वी की टर्म्स में जब दिया होगा तो इसको कैसे करना है, तो ध्यान से देखना, वी एज इट इज डी यू बाई डी एक्स माइनस यू एज इट इज डी वी बाई डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई वी का स्क्वेयर। बोलो हुआ क्लियर कैसे करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, और करना क्या है हमें डिफरेंशिएशन में, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमें दे दे कोई एक्स स्क्वेयर अपॉन लॉग एक्स,
ठीक है, तो क्या बताया था मैंने सबसे पहले, वी एज इट इज यानी कि लोग एक्स ऐसा कैसा, ठीक। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें पता है टू आगे आएगा, टू माइनस वन कितना आ जाएगा, ये 2x, ठीक। माइनस यू एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका कितना आएगा, 1/x, एंड डिवाइड कर देंगे किससे, वी के स्क्वायर से यानी कि लॉग स्क्वायर एक्स से। बोलो हुआ क्लियर? अब यहां से इसको काट दिया, एक्स कॉमन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो तुम लोग, मेरे चलो लिख देते हैं, ठीक है। क्या जाएगा, 2x log x माइनस x अपॉन log स्क्वायर x, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा क्या आंसर। तो ऐसे करना है डिवीजन में भी, कुछ भी नहीं है भाई। जब तुम लोगों फॉर्मूले आते हैं ना, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आएंगे। क्या मुश्किल लग रहा है क्या? अब ये भी मुश्किल लग रहा है तो फिजिक्स सच में नहीं हो सकती तुम लोगों से। 10 बार करो, 20 बार करो, छोड़ो मत। जिसने डिफरेंशिएशन छोड़ दिया, जिसने बेसिक मैथ छोड़ दिया ना पढ़ना, उसको फिजिक्स कभी समझ नहीं आएगी, सर पटकते रहना, ठीक। फिर लोग बोलते फिजिक्स समझ नहीं आती, तो फिजिक्स तभी समझ आएगी जब तुम लोगों की स्पीड बढ़ेगी डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। तो एक और एग्जाम्पल लेते, चलो सिंपल सा एक और एग्जाम्पल लेते कि टेंजेंट एक्स। अब कई लोग बोलेंगे इसका तो फॉर्मूला याद है, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया, है ना। नहीं, इसको हम ड्राइव करते हैं अब की बार डिवीजन रूल से, ठीक, कि सच में वो आया है जो हमने याद किया या नहीं। चलो कैसे, टेंजेंट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन करते, तो कैसे करेंगे, पहले कोस एक्स एज इट इज इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ठीक है, माइनस बाद में क्या, साइन एक्स एज इट इज एंड कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू में माइनस साइन एक्स एंड डिवाइड बाय वी का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, ठीक। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स एंड 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट, तो यह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहां से आता है ये फॉर्मूला कि टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं हमारे डिवीजन रूल से। सिंपल, उसका कोट एक्स का तुम लोग खुद निकाल के देखना, ठीक है, कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो तो आगे चले अब। चलो तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे काम आता है वो ही वाला रूल। कौन सा रूल है देखो, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक। तो चेन रूल हमारा क्या बोलता है, इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमें जैसे दे दिया कि वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। अब हमें करना है इसका क्या, डिफरेंशिएशन। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन, अब हमें तो पता नहीं, हमें तो साइन एक्स का पता है, हमें साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पता, ठीक। तो इसको हम करते हैं 2 बार डिफरेंशिएट। कैसे करते हैं, 2 बार कैसे, देखना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स का स्क्वायर। अभी देखो ये वैसा हो गया कि एक्स का स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं कैसे, एक्स की पावर एन टाइप हो गया ये, तो एक्स की पावर एन टाइप को हम कैसे करते, पावर आगे इंटू साइन एक्स की पावर 2-1, ठीक है। अब क्योंकि अंदर एक्स और है तो इसका दोबारा से करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स इंटू कर देंगे कोस एक्स, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 sin x इंटू कोस एक्स, और जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है sin 2x का। आगे आंसर बोलो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो ऐसा ही देखते, लेकिन थोड़ा अलग। अब की बार क्या था, साइन स्क्वेयर एक्स था, अब की बार हम एंगल में लेके आते हैं। चलो एंगल में स्क्वेयर लेके आते हैं, साइन एक्स स्क्वेयर है, ठीक। अब की बार होल का स्क्वेयर नहीं है, सिर्फ एक्स का स्क्वेयर है। तो हमें पता है भाई, इसका तो हमें पता है कि साइन एक्स स्क्वेयर का क्या होता है, क्या होता है साइन एक्स का, ये पूरा ही एक्स ले लेंगे ना अब की बार, क्योंकि ये तो एंगल है, इसको पूरे को एक्स ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। तो हमें पता है कि साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में कर देंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, क्या आ जाएगा इंटू 2x। अभी देखो
सही समझे तुम लोग कि जब हम करते थे साइन एक्स का, तो जब भी हम एक्स का करते थे, हम क्या करते थे, साइन एक्स का होता था कोस एक्स, उसके बाद एक्स का करते थे, एक्स का डिफरेंशिएशन वन आता था तो इंटू वन करते थे, तो इसलिए सिर्फ कोस एक्स ही लिख देते थे, वन नहीं लिखते थे। लेकिन जब भी हम करते थे एक्स का, जब भी किया जाता है, क्योंकि चेन रूल एप्लीकेबल वहां भी होता है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया इसलिए हमें दोबारा से करना पड़ा। अगर एक्स होता तो एक्स का तो वन आता, वन लिखो ना लिखो एक ही बात है, लेकिन टू एक्स तो लिखना पड़ेगा ना। बोलो आया समझ? और देखो एग्जाम्पल्स, लोग एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो ये पूरे को हम एक्स मान लेंगे, पूरे को एक्स मान लेंगे, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वन अपॉन एक्स, ये पूरा क्या है एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, टू एक्स, फाइव का तो क्या होता है जीरो, तो इंटू टू एक्स, तो ये आ गया टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। बोलो हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? ऐसे करना है। और लो ई की टर्म्स में लो, ई की पावर सीकेंट एक्स, ठीक, हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर सीकेंट एक्स ही होगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, अब साथ में किसका करेंगे, सीकेंट एक्स का इंटू में, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स इंटू क्या, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, आ गया। तो ये था भाई चेन रूल, ठीक, जिसको समझ नहीं आया एक बार दोबारा से देखो, देखो करना कुछ नहीं है, चेन रूल में क्या होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया होता है, ये पूरा फंक्शन है लेकिन इसके अंदर भी फंक्शन दिया है, ये एक्स होता, अगर ये एक्स होता, एक्स का करते तो वन आता, ई की पावर एक्स इंटू वन करते एक ही बात है, लेकिन अब की बार एक्स की जगह पे सीकेंट एक्स दिया है, तो हम सीकेंट एक्स का भी करेंगे और इसलिए वो ये आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें करना क्या होता है कि डायरेक्ट एक्स मान के हम कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका करके इनटू में कर देते हैं, तो इस वाले रूल को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। बोलो आया समझ कि चेन रूल क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा चेन रूल भाई, डिवीजन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, अब जिसको ये वाला समझ नहीं आया वो दोबारा से वीडियो देखो, क्योंकि देखो समझ में लाना पड़ेगा, ठीक, जब तक समझ नहीं आएगा जब तक तुम लोग खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे, और जब तुम लोग खुद से क्वेश्चन कर लोगे 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, जब खुद से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, उसके बाद में दिक्कत नहीं आने वाली डिफरेंशिएशन में, तो जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे जब तक तो दिक्कत आएगी ही, ठीक है। तो करो अब खुद से क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड में फॉर्मूले याद करो, थर्ड में ये रूल्स कैसे अप्रोच लगानी है, ये सिर्फ बताने का तरीका था, मैंने एक एग्जांपल बताया, दो एग्जांपल बताया, तुम 20-20 क्वेश्चन करो, जब तुम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ अब मेरे को डिफरेंशिएशन आ गया है, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ना फिजिक्स में आएगा और ना बेसिक मैथ्स में आएगा, ना डिफरेंशिएशन में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू।